हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जिसे टॉपिक का नाम क्या है, बंगाल का विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। सबसे पहला पॉइंट है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड कर्जन। अगला पॉइंट है क्या, बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई, 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट है क्या, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रारूप प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट है क्या, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था, बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल का विभाजन 1905 दो भागों में हो गया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में कौन कौन सा आता है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और इसमें हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र है। तो पूर्वी बंगाल में है क्या, पूर्वी बंगाल और प्लस असम आता है, और इसमें मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्या, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना, स्वदेशी आंदोलन के। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है क्या, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट है क्या, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, चिदंबरम पिल्ले। नेक्स्ट है क्या, ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया, 1905। नेक्स्ट है क्या, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेवेंसन किस आंदोलन से जुड़े थे, स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट है क्या, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूर्व संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट है क्या, बंगाल की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की, अवरिंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है क्या, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। नेक्स्ट है क्या, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। नेक्स्ट है क्या, वर्ष 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संस्थापक कौन थे, कृष्ण कुमार मित्रा। नेक्स्ट है क्या, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, अश्विनी कुमार दत्त। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार मांगला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 बंगाल का राष्ट्रगान बना। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। अगला पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पश्चात के मध्य के एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था,
सर एंड्रयूज फ्रेजर। अगला पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई वह द बंगाली पत्रिका के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है, अरुणेल समिति। अरुणेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई।